Welcome friends, in today's session of salary income, we are currently dealing with an important chapter, salary income, and we are trying to cover perquisites. The topic which we are going to discuss are perquisites, and we are focusing on rent-free perquisites, rent-free accommodation perquisites. Basically, the sum which we are going to calculate today is full furnished accommodation, or we can say house perquisite. तो दोस्तों आज जो हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं ये भी यूनिवर्सिटी के ही सम है. अप्रैल 2008 में पूछने का साहस किया गया था और ये जो सम है सर इस प्रकार के सम फाइनेंस में पूछे जाते हैं तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए. प्लस जब आप लॉन्ग सम सैलरी इनकम का लॉन्ग सम यानी कि जब सैलरी स्टेटमेंट बनाएंगे तब आपको इस प्रकार के पॉइंट्स बीच बीच में आपको आते हैं दिए जाते हैं तब आपको इसका वैल्यूएशन करना आना चाहिए. ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन रहने की जो फ्री में सुविधा दी गई है उसका वैल्यूएशन करना आना चाहिए. तो चलिए सम की डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 मिस्टर प्रकाश हैज रिसीव्ड मंथली बेसिक पे ऑफ 12,000 डीए 6,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 ट्रांसपोर्ट अलाउंस रुपीज 2,000 बोनस 5% ऑफ बेसिक पे कमीशन रुपीज 200 पर मंथ 20% ऑफ डीए इज टू बी कंसिडर फॉर द वैल्यूएशन और कैलकुलेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिटायर. तो यहाँ बेसिकली आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों वो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको काम आएगी. ये सारी इंफॉर्मेशनल मंथली डेटा के बेसिस पे आपको दी गई. आगे देखते हैं. फ्रॉम द बिगनिंग द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स ओन रेसिडेंशियल हाउस टू हिम. कंपनी की मालिकी का मकान दिया गया है रहने के लिए. फ्रॉम द बिगनिंग द कंपनी हैज प्रोवाइडेड यानी शुरुआत से मिस्टर प्रकाश ने जब भी ये कंपनी ज्वाइन की होगी तब से लेकर ये मकान उनको दिया गया है. He occupied this house up to 31-12-19. ये स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. He occupied this house up to 31-12-19. यानी ये मकान का उपयोग 31-12-19 तक किया गया है. यानी इसके बाद इस मकान को वेकेंट कर दिया गया है खाली कर दिया गया है. तो यानी इस समय आप जो भी वैल्यूएशन करेंगे वो कितने मंथ्स का होगा सर 1/4/19 से लेकर 31/12/19 यानी 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे. मकान का उपयोग 1/4/19 से लेकर 31/12/19 तक का है यानी 9 महीने का वैल्यूएशन करेंगे. 31/12/19 के बाद ये मकान खाली कर दिया गया है. He occupied this house up to यानी ये मकान का उपयोग ये डेट तक किया गया है ऐसा कह रहे हैं. तो ये मेन पॉइंट है. डेट मैंने यहाँ अंडरलाइन करी यूं समझ लीजिए. तो इसका आपको ध्यान रखना है वैल्यूएशन. फर्नीचर इंस्टॉल्ड इन दिस हाउस इज कॉस्टिंग रुपीज 4,20,000. द कंपनी हैज पेड रुपीज 48,000 एनुअल रेंट फॉर द एडिशनल फर्नीचर. आप यहाँ देखिए फर्नीचर की डिटेल आपको दी है यानी ये मकान कैसा हो गया फर्निश्ड हाउस हो गया एक तरीके से. एडिशनल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एडिशनल फर्नीचर भी दिया गया है. तो ये यहाँ से पता चल जाएगा कि ये मकान फर्निश्ड है अनफर्निश्ड नहीं है. ठीक है. तो फर्निश्ड मकान का वैल्यूएशन आपने करना है और फर्निश्ड में पहले आपने अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन करना है. अगर मकान अनफर्निश्ड हो जैसे सम नंबर 1 हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो अनफर्निश्ड मकान था तो उसका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ अनफर्निश्ड तक ही रह जाएगा वो फर्निश्ड तक नहीं जाएगा. लेकिन फर्निश्ड मकान है तो उसमें सबसे पहले अनफर्निश्ड कैलकुलेशन करना है उसके बाद फर्निश्ड पे आना है आपने. तो ये बेसिक्स आप याद रखेंगे तो आसान लगेगा. रुपीज 105 पर मंथ डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी फॉर दिस परक्यूजिट. उसकी सैलरी में से 105 रुपये हर महीने काट लिए जाते थे. फाइंड आउट टैक्सेबिलिटी ऑफ सच फुल फर्निश्ड हाउस परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. If the house is situated in such an area where population is more than 25 lakhs. Population भी आपको दी है और यहाँ तो सब ईमानदार है स्पष्ट बोल दिया है ये जो मकान है फर्निश्ड मकान है.
तो हमें नॉर्मली पहले दो चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है सम स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज़ कि जो मिस्टर प्रकाश जी है, ये क्या सरकारी जमाई है, मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कहीं पे भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम क्या मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे दैट ही इज़ ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है मान लेते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे देखना है वो ये है कि किस प्रकार की परक्विजिट दी गई है। सर यहाँ रहने की सुविधा दी गई है, फैसिलिटी, यानी ये यहाँ पे एक तरीके से रेंट फ्री फुल फर्निश्ड अकोमोडेशन दी गई, यानी फर्निश्ड मकान दिया गया है। तो ये डिसाइड हो गया फर्निश्ड मकान दिया गया है, तो फर्निश्ड मकान की वैल्यूएशन के लिए आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप क्या है फर्निश्ड में, एज्यूम कर लें कि ये अनफर्निश्ड मकान है और अनफर्निश्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने पहले। अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन करने का पहला स्टेप क्या है सर, सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब सम स्टार्ट करते हैं। ये सम अप्रैल 2008 में पूछा गया है। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम नाउ। कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, पहले हम फर्निश्ड अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन में लेंगे, फर्स्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट सैलरी। सैलरी की यह डेफिनेशन है बेसिक प्लस अलावेंसेस, कैसे अलावेंसेस, ओनली टैक्सेबल अलावेंसेस प्लस बोनस प्लस कमीशन। अलावेंसेस में एक अलावेंस स्पेशल है डीए, यानी कि डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस तभी लेना है अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हो तो। चलिए अब हम सम कैलकुलेट करेंगे, सैलरी कैलकुलेट करेंगे। आप डेट ध्यान में रखिएगा, हमने 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है, यानी यहाँ पे मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा वो 9 मंथ्स के बेसिस पे होगा, कैलकुलेशन और 9 मंथ्स। आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं और आप डेट लिख सकते हैं 1/4/19 से 31/12/19 तक का वैल्यूएशन होगा कि 9 महीने के लिए ही मकान का उपयोग किया गया है, यानी 9 महीने तक प्रकाश जी इस मकान में रहे थे, इसलिए 9 मंथ्स का वैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है बेसिक। बेसिक कितना दिया है, 12,000 1 महीने का। तो बेसिक होगा 12,000, स्टूडेंट यहाँ पे पहली ही गलती कर देते हैं, 12,000 × 12 मंथ्स, यानी सीधा 12 मंथ्स का 1,44,000 लिख देते हैं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, आगे के सारी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिक 12,000 × 9 मंथ्स हो जाएगा 1,08,000। उसके बाद डीए है, तो डीए की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डीए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डीए 1 महीने का बोला है 6,000, सो 6,000 × 9 मंथ्स मेरे हिसाब से 54,000 होगा। 54,000 पे रिटायरमेंट बेनिफिट का कितना परसेंटेज बोला है लेने के लिए, 20%। तो 20% निकालेंगे 54,000 का, तो 10,800 आएगा, आसान है। आगे बढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है फुल्ली टैक्सेबल है, यानी इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। सरकारी कर्मचारी हो तो एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर है तो कोई एग्जम्पशन नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस सर 300 1 महीने का है, 300 × 12 मंथ्स नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा 9 मंथ्स लेना है, सो 2,700 आएगा। इसके बाद और कोई अलावेंसेस है, डियरनेस अलावेंस आ गया, एंटरटेनमेंट अलावेंस आ गया, ट्रांसपोर्ट अलावेंस आ गया। ट्रांसपोर्ट अलावेंस में एग्जम्पशन है वापस, इसलिए इसको रिसीव्ड और एग्जम्प्टेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एजुकेशन अलावेंस लिखते हैं। टीए यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। रिसीव्ड कितना है, कंपनी ने कितना दिया, 2,000 दिया 1 महीने का, सो 2,000 × 2,000 × 9 मंथ्स 18,000 होगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस का एग्जम्पशन अमाउंट है 1 महीने का 1,600 रुपये, 1,600 तक का एग्जम्पशन मिलता है। सो एग्जम्पशन लेंगे 1,600 × 9 मंथ्स, ये 1,600 रूल्स के हिसाब से लाया हूँ, सब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे एजुकेशन अलाउंस पे होता है 100 रुपीज 1 महीने का, मैक्सिमम 2 बच्चों का फायदा मिलता है, वैसे ही ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसमें 1 महीने का 1,600 का एग्जम्पशन मिलता है, यहाँ बच्चे बच्चे नहीं मिलते।
यहाँ कोई एजुकेशन की बात नहीं होती है। सो एग्जम्पशन 1600 मल्टीप्लाई बाई 9 months 14,400 का फायदा मिल जाएगा और टैक्सेबल वैल्यू आउटर कॉलम में 3,600 पे लगेगा टैक्स। तो यहाँ पे बेसिक आ गया 20 से, अलावेंसेस में 3 अलावेंसेस सम्स में दिए थे, तीनों तीन आ गए। अब हम देख लेते हैं बोनस या कमीशन वगैरह है। बोनस है 5% बेसिक का बोनस लेना है, बेसिक सही होगा तो बोनस सही आएगा, बेसिक सही होगा तो डीए सही होगा। कमीशन भी दिया है 200 पर मंथ, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे ले लेते हैं बोनस और कमीशन। तो बोनस बेसिक का 5% है 5,400, कमीशन 1 महीने का 200 है, ध्यान रखिएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 9 months लेना है, 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सैलरी रेडी हो जाएगी प्रीवियस ईयर 1920 का 1,32,300, यहाँ पे इसका टोटल आएगा। तो सैलरी कैलकुलेट हो गई, ये एक मेन पॉइंट है, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी वो भी आना चाहिए। सैलरी सही होगा तो आगे का वैल्यूएशन सही आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सर, एक नोट लिखना है। नोट का बेस क्या होगा, जो मकान रहने के लिए दिया है उसकी ओनरशिप कंपनी की है या कंपनी ने मकान भाड़े पे लेके दिया है, ये हमेशा सबने इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको डिसाइड करना होगा। तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में स्पष्ट बोला है कि फ्रॉम द बिगनिंग द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स ओन रेसिडेंशियल हाउस टू हिम, यानी खुद की मालिकी का मकान कंपनी ने प्रकाश जी को रहने के लिए दिया है। तो उसके बेसिस पे हम आगे का वैल्यूएशन यानी कि फाइनलाइजेशन, अनफर्निश्ड का वैल्यू फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। दो चीजें आपको ध्यान में लेनी होगी, जो मकान दिया गया है उसकी ओनरशिप कंपनी की है या कंपनी ने भाड़े पे लेके दिया है। तो सर कंपनी की ओनरशिप का मकान ही ये फाइनल हो गया। अगर ओनरशिप कंपनी की है तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सब में दी है सर? हाँ सर दी है, 25 लाख की 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो आपको रूल्स अगर याद हो, टेबल अगर याद हो, तो टेबल के बेसिस पे आपने यहाँ वैल्यूएशन ध्यान में लेनी है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है और ओनरशिप कंपनी की है मकान की, तो सैलरी का कितना परसेंटेज लेना है सर? 15% लेना है। तो 15% टैक्सेबल होगा सर, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। सो 15% सैलरी के यहाँ हमको टैक्सेबल अमाउंट में कंसिडर करना है 15%। सो फ्लैट प्रोवाइडेड इज ऑफ एम्प्लॉयर्स ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप का हाउस है और पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो अनफर्निश्ड की वैल्यू कितनी हम टैक्सेबल मानेंगे? सैलरी का 15%। पिछले सम में जो हमने कैलकुलेट किया था वह पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी, इसलिए 7.5% की। इसलिए टेबल और टेबल का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आगे का वैल्यूएशन आप कर पाएंगे। पहला स्टेप कंप्लीट सैलरी, दूसरा स्टेप अनफर्निश्ड की वैल्यू फाइनल करनी कितने परसेंट सैलरी के लेने हैं, तीसरा स्टेप आ जाएगा फर्निश्ड का वैल्यूएशन करना। तीन स्टेप के सब है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस, तो इसमें आपने दो कॉलम रेडी करनी है और इसकी जो तीन बेसिक कंडीशंस है वो आपको बाय हार्ट करनी होगी, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। दो कॉलम रेडी करनी है आपने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस, और यहाँ आपने दो कॉलम रेडी कर लेनी। चलिए तो सबसे पहले तो इसके अंदर पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या आएगा? फर्निश्ड का पहला कंडीशन ही है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। सजावट वाला मकान जो है, फर्निश्ड मकान जो है, उसकी पहली शर्त यह है कि मान लीजिए कि ये सजावट वाला मकान नहीं है और इसका कैलकुलेशन करें, तो वो हम वही कर रहे हैं। तो चलिए पहली शर्त लिखते हैं पहले तो, कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड फ्लैट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर डिसाइड किया था हमने, क्या डिसाइड किया था कि सैलरी का 15% लेंगे। सैलरी कितनी है? 132,300, उसका 15% निकालना है। तो निकाल लेते हैं और फाइनल वैल्यू रख देते हैं। सैलरी का 15% 15%, सैलरी का 15% एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अमाउंट डिफर हो रही थी। लेट मी चेक वंस, इसका 15% हो रहा है सर 19845, रकम सही है। चलिए सर 19845, ये सैलरी की 15% निकाल ली हमने वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड पेट। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है, अनफर्निश्ड वैल्यूएशन के बाद
क्या फर्नीचर को इंस्टॉलेशन किया गया है? हाँ सर, फर्नीचर इंस्टॉलेशन किया गया है जिसकी कॉस्टिंग है 4,20,000, यानी ये फर्नीचर की प्राइस है 4,20,000। तो क्या ये पूरा ले लेना है? नहीं सर, इस पे 10% लेना है। कितना लेना है? डेप्रिसिएशन जैसा है, वियर एंड टियर एक्सपेंस भी कहते हैं इसको, इसका 10% लेना है। और क्या पूरे साल का 10% ले लेंगे यहाँ पे? नहीं सर, मकान कितने महीने के लिए उपयोग में लिया था? 9 महीने के लिए, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो 9 महीने के हिसाब से अपने वैल्यूएशन करना है। अगला कंडीशन है इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर, टैक्सेबल वैल्यू 10% ऑन कॉस्ट प्राइस होगी, यानी 10% सीपी के लेंगे हम। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 9/12 मंथ्स, ये पूरे साल का है, तो हम 9 महीने का निकालेंगे, तो 12 महीने का है, तो 9 महीने का निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसका 10% लेंगे, तो 3,15,000 आएगा। 9 महीने का वैल्यू, 3,15,000 पे 10% निकालेंगे तो 31,500 आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट। फर्नीचर की सुविधा है, हाँ सर है, और दी है, जिससे पता चलता है ये फर्निश्ड हाउस है, सजावट वाला मकान है, खंडर नहीं दिया है रहने के लिए, अच्छी सुविधा वाला मकान दिया है, फर्निश्ड मकान दिया है, सजावट वाला दिया है, कंपनी अच्छी है। द कंपनी हैज पेड ₹48,000 एनुअल रेंट फॉर द एडिशनल फर्नीचर, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट, एडिशनल फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह और भी दिया है फर्नीचर के तौर पे। तो इसका भाड़ा कंपनी ने अगर पे किया होगा, देन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। ये एनुअल रेंट है, ध्यान रखिएगा, सालाना रेंट है, तो हमें इस पे भी क्या करना होगा? 9 महीने का वैल्यूएशन करना होगा। अगली कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट या एडिशनल फर्नीचर पेड बाय, रेंट पेड बाय कंपनी होना चाहिए, कंपनी ने पे किया होगा तो ही इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कर्मचारी, एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने ये रेंट पे किया होगा तो यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय रेंट पे कर देगा तो वो तो डिडक्शन में ले लेगा, फायदे में ले लेगा, इतना ध्यान रखना है। सो यहाँ कंपनी ने पे किया हो तो ही आपने इस तरीके से वैल्यूएशन में लेना है, और नॉर्मली इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। विश नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। सो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स करेंगे, साल का 48,000 है, तो 9 महीने का कितना सर? 36,000। 9 महीने वाली शर्त यहाँ जो बनती है वैल्यूएशन की, ये स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ करते हैं, पूरे साल साल का कैलकुलेशन करके आते हैं, पूरा स्टेटमेंट गलत। तो ये बेसिकली 3 शर्तें होती है, ये पूरी हो गई, यानी ये तीनों तीन सब में दी थी, हमने वैल्यूएशन कर दिया। अब क्या कोई भाड़ा काटा जा रहा है? क्या कोई अमाउंट सैलरी में से डिडक्ट हो रही है? हाँ सर हो रही है, ₹105 का अत्याचार हो रहा है, हर महीने उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से फायदा ले लेंगे। प्रकाश कह रहा है कि कंपनी मेरे सैलरी में से ये भाड़ा काट रही है, ये डिडक्शन कर रही है इस सुविधा का, चलिए मैं यहाँ से डिडक्शन कर देता हूँ, फायदा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, या टोकन रेंट डिडक्टेड, ₹105 है एक महीने का, ऐसे 9 महीने का अमाउंट होता है 945, ये डिडक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं कर देना है। तो फाइनल वैल्यू आपकी रेडी हो जाएगी और 7 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। अगर आप इस तरीके से वैल्यूएशन अच्छे से करते हैं, कैलकुलेशन अच्छे से दिखाते हैं, तो ये सबसे आसान समय, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ शर्तें आपको ध्यान में रखनी है, इतना सिंपल है, सिर्फ 3 कंडीशंस याद रखनी है और आगे का खाली सैलरी कैलकुलेशन अच्छे से करना है, BABC के हिसाब से अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन अच्छे से करना है, और फिर उसके बाद फर्निश्ड तो एकदम आसान है, सिंपल है। तो इस तरीके से आपका फर्निश्ड का स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा दोस्तों।